बाइबल में राजा दाऊद के जीवन का एक पहलू सीखेंगे, पावर ऑफ थॉट्स, सोच का प्रभाव। पहला सैमुएल 27 का 1 में कहता है, दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन राजा शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। दाऊद एक नकारात्मक या नाशवान सोच को मन में जगह देता है। पीछे बाइबल के पन्ने मुड़कर देखेंगे तो पाते हैं कि दाऊद जब बालक ही था, इज़राइल का दूसरा राजा बनने के लिए नियुक्त और अभिषेक किया गया। इज़राइल का पहला राजा सौल था, वह परमेश्वर से दूर हो गया और ऐसे ऐसे काम किया जिसकी वजह से प्रभु से नाराज था, और प्रभु ने अगले राजा का चुनाव किया जो प्रभु के हृदय के प्रकार चलता था। बालक दाऊद अभिषेक के बाद परमेश्वर की आत्मा उस पर बड़े प्रभाव से उस पर उतरा। दाऊद ने कई युद्ध जीते, वीर गोलियात को मार गिराया और वह इज़राइल सेना का प्रमुख योद्धा बन गया। वह बहुत प्रसिद्ध हुआ क्योंकि प्रभु उसके साथ हर पल थे और हर पल उसकी मदद कर रहे थे। आम लोग भी दाऊद से प्रसन्न थे और सब दाऊद का गुणगान गाते थे। यहाँ तक राजा सौल भी दाऊद से डरता था क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। सौल का पुत्र योनाथान जो राजकुमार था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। उसने भी पहचाना कि प्रभु की योजना में दाऊद को इज़राइल का राजा बनना है। योनाथान दाऊद से बहुत प्रेम करता था और अपना सारा वर्दी, धनुष, तलवार सब दाऊद को दे दिया। इतना कुछ दाऊद के जीवन में अच्छा अच्छा चल रहा था और इतना कुछ भविष्य का उसको प्रकाशन मिला था, लेकिन इन सब के बावजूद एक डराने वाली परिस्थिति जब आई तो वो डर जाता है और नकारात्मक विचारों को मन में जगह देता है। वह ये भूल जाता है कि भविष्य का राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ है। उस कमज़ोर क्षण में प्रभु की प्रतिज्ञाओं को और अतीत की सफलताओं को भूल जाता है और डर और नकारात्मक विचार या नेगेटिविटी को एंटरटेन करता है, जिसके वजह से वह अपने देश से, अपने लोगों से भाग जाता है और परिस्थिति से भागकर दुश्मन देश में जा एक साल से भी बढ़कर वहाँ पे जाके छिपता है। हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे थॉट्स ये बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि नीति वचन 23:7 में प्रभु सिखाता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एज अ मैन थिंक्स सो ही बिकम्स। एक कोट है जो कहता है, वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। अपने विचारों पर निगरानी रखो क्योंकि वह आपके शब्द बन जाते हैं। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस। अपने शब्दों पर निगरानी रखो क्योंकि वह आपका चाल बन जाता है। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट्स। अपने चाल पर निगरानी रखो क्योंकि वो आपकी आदत बन जाती है। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर। अपने आदतों पर निगरानी रखो क्योंकि वो आपका चरित्र बन जाता है। वॉच योर कैरेक्टर, दे बिकम डेस्टिनी। अपने चरित्र पर निगरानी रखो क्योंकि वो आपका तकदीर या भविष्य बन जाता है। तो आपने देखा कैसे शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे थॉट्स या हमारे विचारों से, और कहाँ पहुँचाती है वो हमारे तकदीर या भविष्य या डेस्टिनी को पहुँचाती है। नाना प्रकार के सोच विचार हमारे मनों में हर क्षण आते हैं। हम अपने मनों को हमें अनुशासित करना है और जानबूझकर नकारात्मक और नेगेटिव सोच को हटाना है और अच्छी अच्छी जीवन से भरी हुई सोच को बढ़ावा देना है। यह कई बार हमारे काबू में नहीं होता, इसलिए हमें प्रभु की सहायता चाहिए। उनके हाथों में हम अपने सोच विचारों को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे मनों से नाशवान और नेगेटिव सोच को हटाकर आप उखाड़ कर
फेंक दें। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में प्रभु बताता है, हर एक भावना या विचार को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना दो। और फिर फिलिप्पियों 4:8, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाने के लिए प्रभु हमको बताता है किन चीज़ों पर, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, वो कौन सी बातें हैं, जो बाइबल में कही हुई बातें हैं, परमेश्वर की जो कही हुई बातें हैं वो सत्य हैं, वो उचित है, वो पवित्र है। हमारा चाल चलन विश्वास के साथ है। परिस्थितियां जैसे दिखती हैं वो देखकर नहीं हमें चलना है, वरन उन परिस्थितियों में प्रभु हमसे क्या कह रहा है वो सुनकर, उस पर विश्वास कर हमें आगे बढ़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु हमारे तकदीरों को लिखेगा, और जब प्रभु तकदीर लिखता है वो बहुत सुंदर होता है। क्योंकि यरमिया 29:11 में प्रभु कहता है कि प्रभु का जो सोच विचार हमारे लिए है, प्रभु का जो उद्देश्य हमारे जीवनों के लिए है, वो बहुत अच्छा है, वो भलाई के लिए है, वो हमको एक भविष्य देने के लिए है, हमको नाश करने के लिए नहीं है। पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता करें कि प्रभु पवित्र आत्मा आपकी मदद से हम आज से अच्छी अच्छी सोच, प्रभु जो आप हमारे लिए रखते हो, उन सोचों को बढ़ावा दें अपने जीवनों में, और नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स को आपकी मदद से उखाड़ कर फेंक सकें प्रभु, ताकि प्रभु आपके सोच से हम अपने शब्दों को बना सकें, और उस सोच से अपने चाल को बदल सकें, अपने आदतों को बदल सकें, चरित्र को आपके प्रकार बदल सकें, और आपके आपने जो निश्चित किया है वैसा तकदीर को आने में हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।